साथियों, मैं इस समय जंतर मंतर में हूँ। अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज भू कानून संघर्ष समिति जंतर मंतर पे धरना दे रही है। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, महिलाएं पुरुष सभी हैं और सब बुरी तरह इस जघन्य हत्याकांड के बाद बहुत ही उद्वेलित हैं, गुस्से में हैं। मौजूदा उत्तराखंड सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, वहां के प्रशासन के खिलाफ जोर शोर से नारे लग रहे हैं। चिलचिलाती धूप के बीच में हमारी बहनें, हमारे भाई सभी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहां संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को दिया जाए, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ साथ हत्यारों को, जघन्य हत्या के जो कल्प्रिट्स हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। हमारे बीच में बहुत साथी इसमें उपस्थित हैं। मैं चारू तिवारी हमारे बीच में हैं। चारू तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ अपने विचार रखें। चारू जी, ये जो आज का धरना हो रहा है और जघन्य हत्याकांड जो उत्तराखंड में हुआ है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि 2012 में दामिनी का दिल्ली में हुआ, उससे पहले किरण नेगी का हुआ, जिसमें आप सबने, हम सबने मिलकर संघर्ष किया, उन्हें अंततः पर न्याय दिलाया, लेकिन आज ये मांग फिर सिरे चढ़ी है, इस पर मैं आपके विचार लेना चाहूंगा। पहले तो मैं बात को इस रूप में देखता हूँ, जो पूरा हिमालय है वह हिमालय पूरी महिलाओं पर टिका हुआ है और महिला पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम चीज़ों पर उनका एक किस्म से हम कहेंगे बैकबोन है। और हिमालय, जब महिलाएं हैं तो हिमालय, और अगर हिमालय को बचाना है तो महिलाओं को बचाना बहुत जरूरी है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां हम पूरे देश के अंदर महिलाओं के हम कह रहे हैं कि महिलाओं का संरक्षण होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम अपना पूरी नीतियां बना रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का पूरा नारा देश के अंदर प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड के गाँव से एक छोटी सी बच्ची, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत साधारण सा घर है और बड़े मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसको 12वीं तक कराया, 12वीं में उसके 88% मार्क्स थे और उसके बाद उसके होटल मैनेजमेंट किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो माँ बाप ये समझ रहे थे कि मेरी बेटियाँ कमाने वाली होगी, हमारे आर्थिक जो हित है वो भी सड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि वो अपने ही गांव में, अपने ही जिले में, अपने ही क्षेत्र में ये रिजॉर्ट में जब रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है तो वहाँ का मालिक जो है उसकी हत्या करता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि हमारी जो नई बच्चियाँ हैं, हमारे जो नई पीढ़ी है, जो नई कलियाँ हैं, उनको जो कुचलने का काम सत्ता के माध्यम से हुआ है, जो राजनीति के माध्यम से हुआ, वो बड़ा खतरनाक है। और जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया है वो सत्ता में बैठे वो लोग हैं, जिन्होंने उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, जिन्होंने भाजपा और संघ में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए हम सब लोगों को इस मामले को सिर्फ अंकिता की हत्या के साथ देखना नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली बच्चियों और हमारे वाली आने वाली माताओं बहनों के साथ क्या होने जा रहा है और ये राजनीतिक जो अपसंचित का रास्ता है उसको कैसे रोकें, इस पर हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। और अंकिता जैसी बच्ची की हत्या का मतलब है देश के महिलाओं के साथ सीधे सीधे राजनीति के रास्ते उन पर निशाना साधा जा रहा है और ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, बल्कि इसके लिए धीरे धीरे रास्ता बनाया, जैसे उत्तराखंड के अंदर तमाम जमीनों की लूट का जो रास्ता है वो इन्हीं राजनीतिक लोगों ने किया। अब आप कभी देखिए जिस क्षेत्र में ये बच्ची की हत्या हुई है उस क्षेत्र में जितने रिजॉर्ट बने हैं, जितने होटल बने हैं, ये किसने दिए, किसने बनाए, किस नियम और किस कानून के तहत बने हैं, उसमें किनको नौकरियां मिल रही है, किनको पैसा मिल रहा है, किसका उसका पीएफ कट रहा है, नहीं कट रहा है, उनकी क्या सुरक्षा है, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या मैं एक इस अंकिता की हत्या के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ, इस आलोक में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि आप महिलाओं की सुरक्षा को तब देखेंगे जब आप एक बच्ची को की हत्या करवा देंगे, जब आप एक महिला के साथ शोषण करवा देंगे, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करवा देंगे, क्या उसके बाद आपकी पुलिस जागती है, उसके बाद आप अपराधी को पकड़ते हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि इतने दिन से जिसको आपने राज्य मंत्री बनाया है वो रिजॉर्ट में क्या कर रहा है? आपको पता नहीं है कि जो आप इतने सारे होटल्स आपने खोले उनमें क्या हो रहा है? आज जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद आपका डीजीपी भी जाग रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी जाग रहा है। मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस बात को मानता हूँ, देश का प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मेरे साथ सबसे बड़े दुख की बात यह है कि महिलाओं के साथ देश में अन्याय को मैं देख रहा हूँ, और बड़े दुख के साथ बड़ा घड़ियाली आंसू बहाते हुए वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे अपने लोगों के बीच में अपने दुख को शेयर कर रहा हूँ कि महिलाओं के साथ देश के अंदर क्या अन्याय हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अंकिता मरी है तो अंकिता का दुख उनको दुख नहीं लगता? क्या उनको सुख लगता है कि वो पूरे इतना बड़ा दौर गुजर गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला? आप देखिए कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए दो लोग महत्वपूर्ण रूप से आए थे, योगी और मोदी। योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नाम पर पता
पता नहीं क्या क्या गढ़ा जा रहा है, उनके नाम पर पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। और ये योगी का ही गांव है, योगी का ही क्षेत्र है जहां ये घटना हुई है, और योगी के क्षेत्र में घटना हुई है, और वहीं योगी ने अभी भाषण दिया था पिछले दिनों चुनाव में, और योगी के क्षेत्र में वहां की बालिका की हत्या होती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको नायक बताया जा रहा है, उनका अभी तक एक भी बयान इसमें नहीं आया है। इससे हम समझ सकते हैं कि इन अपराधियों को सजा देने में इनकी न कोई रुचि है, न महिलाओं को बचाने में इनकी कोई रुचि है। इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, ये सत्ता का रास्ता निकाल चुके हैं। इनके लिए वोट की कीमत है, इनके लिए आदमी इंसान के जान की कोई कीमत मुझे नहीं है। मुझे ये कहना है तिवारी जी कि इनकी सरकार आने के बाद 2022 में इन्होंने रिपीट किया और मुख्यमंत्री भी इस बार रिपीट हुआ। बड़े बड़े दावे इन्होंने किए रोजगार को लेकर। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि 23,000 लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ठीक इनके आने के बाद उत्तराखंड सिलेक्शन सर्विसेज कमीशन का बहुत बड़ा स्कैम आया, जिसमें हाकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य था, जिसकी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ, मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, डीजीपी के साथ फेसबुक में सोशल मीडिया में डाली है, उसी तरीके से जो अब पुलकित ने हत्या की है उसके पिता की फोटो सभी बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो ऐसे में क्या इस घटना के घटने के बाद और उससे पहले स्कैम के घटने के बाद इतने बड़े पैमाने पर आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि एक समय वो भी था जब देश में रेल की अगर एक्सीडेंट्स होते थे तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफे दे दिए थे। तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम मॉरलिटी को दिखाएं कि हम लोग वास्तव में मॉरल रखते हैं और ये साबित करें कि हमारे अंदर मॉरलिटी है और इस्तीफा दे दें? ये बहुत दुर्भाग्य है कि गांधी जी इस बारे में बहुत अच्छी बात कहते थे। गांधी जी ने कहा था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। जब तक किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन पवित्र नहीं होंगे तो वह साध्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपने सत्ता में जाने के लिए जिस शराब, जिस पैसे, जिस संसाधन, जिस गुंडागर्दी का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया है, उसी के बल पर आज सत्ता में गए हैं। तो आपने वो पैसा भी हाकिम सिंह से लिया है, आपने वो पैसा जो है विनोद आर्या जैसे लोगों से लिया है, आपने वो पैसा उन तमाम लोगों से लिया है जो आपके जंगल माफिया है, जो आपके रेता बजरी माफिया है, जो शराब माफिया है, उनके पैसे उनके दम पर जब आप सत्ता में गए हैं तो आप नैतिक कैसे हो सकते हैं? और ये जो आपने सत्ता में जाने का अनैतिक रास्ता अपनाया है वो आपकी कार्यप्रणाली में हर जगह दिखाई देगा, आपके कृत्य में दिखाई देगा, आपके काम में दिखाई देगा, आपकी नीतियों में दिखाई देगा। तो इसलिए उनके हित अंकिता को सुरक्षित रखने के नहीं है, उनके हित आपके लिए नीतियां बनाना नहीं है, उनका हित हाकिम को संरक्षण देना है, उनका हित जो है विनोद आर्य जैसे लोगों को संरक्षण देना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनीति में शुचिता की बात को तो आप छोड़ दीजिए, राजनीति में आप स्पष्टता की बात को तो छोड़ दीजिए, राजनीति में ईमानदारी की बात को तोबा कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसा बाजार बना दिया है जो सिर्फ खरीदा जा सकता है। इन 75 सालों में जब हम ये देश अमृत महोत्सव के नाम से सरकारी पूरी कार्यक्रम कर रहा है तो ऐसे पूरे क्षेत्र ये पूरे दौर में हमारे लोगों को अगर कुछ नहीं किया गया तो एक ही चीज नहीं की गई, वह है संविधान को न पढ़ाना। हमारे यहाँ संविधान नाम की चीज को धीरे धीरे हटाने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया है। अगर हमारे देश की जनता संविधान के दो पन्नों को भी जान जाए, अपने अधिकारों को जान जाए, अपने वोट का मूल्य जान जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का सत्ता में आना बंद होगा और उसी दिन नैतिकता भी जिंदा रहेगी, उसी दिन हमारे सरोकार भी जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मौके हो, कई बार ऐसे मौके हमारे वो भले ही दुख के मौके हों, भले ही वो गलत ढंग से आए हुए मौके हों, लेकिन कई बार वो मौके हमको एक नए समाज को बनाने का रास्ता भी निकालते हैं। अंकिता की हत्या, अंकिता की जो शहादत है, वो शहादत निश्चित रूप से हमको ये रास्ता दिखाती है कि क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे राज्य की शुचिता बनी रहे, जिसमें इतने ईमानदार, जैसा आपने कहा कि ऐसे ईमानदार पैदा हों।